हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में पढ़ाऊंगी। तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न, एंड दे डू नॉट लर्न वेल इफ दे सी नो रीजन फॉर लर्निंग। तो इंडिविजुअल कब सीख सकते हैं अच्छे से, कब वो लर्न कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, हम कभी भी कोई भी काम जो है वो अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जब हम फिजिकली मेंटली, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब दिमाग से, और इमोशनली मतलब हम अपने भावनाओं से, ठीक है, तीनों चीजों से हम रेडी हैं कुछ भी लर्न करने के लिए, तो हम लर्न कर सकते हैं। दुनिया में फिर हमें कोई भी लर्निंग से रोक नहीं सकता, हमें लर्निंग करने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी जब हम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी होंगे। अगर हमें, हमारे पास इनमें से कोई भी रीजन नहीं है हमारे पास लर्न करने के लिए या फिर लर्निंग के लिए, तो हम लर्न नहीं कर सकते। तो हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब दिमागी रूप से, और इमोशनली भावनाओं से हम रेडी नहीं है सीखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जैसे कि आपको मैं फोटो में दिखा रही हूँ कि एक बच्चा है, वो उसकी मम्मी उसको कुछ बोल रही है लेकिन वो लेटा हुआ है, तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि उसकी मम्मी उसको सिखा रही है बट वो सीखने के लिए रेडी ही नहीं है। और ऐसे ही सेम क्लास में अगर कोई टीचर कुछ बता रहा है आपको, लेकिन आप कंटिन्यूसली बातें कर रहे हैं, आपका ध्यान जो है वो कहीं और है, आप मेंटली कहीं और हैं, फिजिकली कहीं और हैं, और आपके इमोशंस जो है वो कहीं और है, तो आप इमोशनली कहीं और प्रेजेंट है, तो आप नहीं सीख सकते। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि एक बच्चे की मम्मा जो है उसको कुछ बोल रही है और बच्चा भी बहुत ध्यान से सुन रहा है, तो इसमें बच्चे को भी लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता चल रही हैं, और मम्मी को भी अच्छा लग रहा है कि यस वो सिखा रहे हैं, है ना। तो इसलिए लर्निंग क्या है कि लर्निंग हम कब कर सकते हैं, जब हम रेडी हों सीखने के लिए और जो सिखाने वाला है वो भी रेडी हो। मान लीजिए क्लास में टीचर है, टीचर का मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और अगर टीचर का मन कर रहा है लेकिन बच्चों का मन नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, लर्निंग के लिए रेडीनेस होनी चाहिए। और स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी जो है वो तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप सीखने की चाह नहीं रखते, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि मैंने कुछ चीजें सीखनी है, मैंने लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो तब तक आप सीख नहीं सकते। जब तक आपके लिए लर्निंग के लिए रीजन नहीं है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मैंने पढ़ना क्यों है, मेरे को पढ़ाई क्यों करनी है, जितनी देर आपके माइंड में वो चीज नहीं आएगी, आपको नेचर वो चीज नहीं सिखाएगा, आप तब तक लर्निंग नहीं कर सकते। और स्टूडेंट, एक बात तो है कि कुछ बच्चे जो हैं वो नेचर की तरफ से ही बहुत ज्यादा डल होते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा, लेकिन वो भी अगर कोशिश करेंगे तो वो भी अपने पासिंग मार्क्स जितना जो है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ध्यान जो है वो शरारतों की तरफ होता है, तो वो सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है, तो वो भी बच्चे जो है नालायक कैटेगरी में माने जाते हैं। लेकिन वो नालायक नहीं है, कोई भी बच्चा जो है वो नालायक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ जो है अलग पॉइंट होता ही है। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो क्या है कि हमें सीखने की चाह रखनी चाहिए और जो सिखा रहा है उसको ध्यान से सुनना चाहिए। और यही था स्टूडेंट लॉ ऑफ रेडीनेस। होप आपको लॉ ऑफ रेडीनेस अब अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको जरूर अप्लाई करेंगे ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में या फिर क्लास एग्जाम में या फिर क्लास के किसी भी टेस्ट में या फिर लाइफ के किसी भी टेस्ट में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते जब आप लर्निंग के लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली रेडी हैं। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको
शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।